अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आई होप सो कि आप होंगे ज़बरदस्त। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप जब एक दफ़ा इसको देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और आई होप सो कि आपको लाइफ में ये कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। बच्चों जो वर्ड है आइसोटोप्स, इसको सबसे ये जो टर्म है, ये जो फिनोमेना है, इसको सबसे पहले एक फ्रेडरिक सोडे बंदे था, एक आदमी है जिसका नाम फ्रेडरिक सोडे था, जो कि रेडियो केमिस्ट था। उसने 1913 के अंदर इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। आप देखेंगे कब, इन 1913 फ्रेडरिक सोडी, उसका नाम क्या है, फ्रेडरिक सोडी इंट्रोड्यूस द टर्म आइसोटोप्स। सबसे पहले इसने आइसोटोप्स को बयान किया। बच्चों आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स की जब मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद आपको जल्दी समझ आ जाएगा। उससे पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो तो आपको अच्छी लगेगी, और लास्ट पे चैनल को मेन वीडियो को लाइक भी कर देना। अब देखो बच्चों, हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है, एटम्स, ध्यान से, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। ये वर्ड देखे ना, एक ही मीन एक ही जो आपके सेम एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स हैं, ठीक है, कैन पोजेस, क्या करें, कैन पोजेस, पोजेस रख सकते हैं, ध्यान से, इसको कैरी भी कह सकते हैं, एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, कैन पोजेस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। ये बात आप देखें, यानी आपके सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके जो एटॉमिक मैस है वो डिफरेंट है, मैस नंबर है वो डिफरेंट है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है रिमेन सेम, वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। लेट मी सपोज मेरे पास हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, जो एग्जांपल मैं लिखता हूँ इधर, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, कितने होते हैं, तीन। वो कौन कौन सी होती हैं, एक 1,1 होता है, एक 1,2 होता है, और एक 1,3 होता है। अब जो आपको नीचे वाला नज़र आ रहा है ना, ध्यान से देखें, जो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये है एटॉमिक नंबर, क्या है, तीनों का, यानी सेम एलिमेंट है, ये बात देखें, ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन पोजेस सेम एटॉमिक नंबर, उनकी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम बट डिफरेंट मैसेज। आप ये कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, बात समझागी ना, उनके जो मैसेज क्या है वो है डिफरेंट, यही तो बात है। आई होप सो कि आपको ये समझा गया होगा। और कार्बन के भी बच्चों क्या होते हैं, ये आपके प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम है। और इसके अंदर कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन के बच्चों होते हैं, उसके भी तीन आइसोटोप्स होते हैं, C6, 12, 13 और 14, ठीक है। अब हम यूज़ उसको करते हैं जो होता है, मीन अबंडेंस में होता है, जो कसरत में होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊँगा, ठीक है। अब जो ये तो हो गया इतना, अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें वो सेम होती हैं और कौन सी क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ सेम, जो चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो रही है, चेंज। इसमें एक 0 न्यूट्रॉन है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, सॉरी, इसमें एक न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट, लेकिन जो एटॉमिक, जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतना ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और इनकी, इसके साथ आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम होती हैं, क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वो भी सेम होती हैं, पोजीशन,
जो आपका एलिमेंट है उसकी जो पीरियाडिक टेबल के अंदर पोजीशन, वो भी पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल, वो भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये चीज़ें जो क्या होती हैं, सेम होती हैं, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके साथ जो पोजीशन है। अब जो डिफरेंट चीज़ें उनकी बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों देखें, डिफरेंट सबसे पहले आपके माइंड में होने चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होते हैं न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन दो है, इसमें ज़ीरो, इसमें एक और इसमें दो है, मीन न्यूट्रॉन की तादाद क्या डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें एक इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, वो भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ये बच्चों क्या होती है, इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सेम। अब जो बच्चों एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के तौर पर, भाई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं, आप लिखें उसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के कितनी हैं उसके तीन होते हैं, ऑक्सीजन के कितनी हैं, ऑक्सीजन के बच्चों इसके भी आइसोटोप्स आई होप सो सिक्स होते हैं, लेकिन आप देखें इसके जो आपके कार्बन के तीन हैं और निकल के हैं, निकल के फाइव आइसोटोप्स हैं, और कैल्शियम के बच्चों हैं, कैल्शियम के सिक्स हैं, और निकल जो हमारे पास सॉरी जो टिन है, ये इसको आप एस एन भी लिख सकते हैं, एस एन या एस एन, इसके इलेवन होते हैं। ये जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं भाई इनकी आइसोटोप्स कितने हैं, एम सी क्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूछ सकते हैं इनकी आइसोटोप्स क्या हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा जो बार आ चुका है जो एग्ज़ाम में एम सी क्यूज़ के तौर पर वो है टिन, इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे इलेवन। आई होप सो कि बच्चों आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।